वे लोग अनवरात्रा में जात जड़ूला के लिए मुख्य रूप से अठे आवे है। तो जीण माता अठे तपस्या करी और फलस्वरूप बाने आशीर्वाद मिलो कि आज सो स्थान जीण माता नाम से पूजो जावेगो। तो थान तो पहले से फिक्स हो गई भाई शादी में वाद मानो है, तो भीड़ कम है या फिर व्यवस्था बढ़िया है? व्यवस्था बढ़िया साहब। आप मावड़ी बुलाओ ना आ जाओ ना। बिल्कुल भाई देखो बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मैं अरुण और झलको सीकर पर थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ जीण माता के मंदिर के मायने और श्रादी नवरात्रा चल रही तो काफ़ी श्रद्धालु ही वह माता की तरफ दर्शन करवा ले, आपकी श्रद्धा लेके आपकी मन्नत नहीं लेके काफ़ी श्रद्धालु अड़े पूछ रहे हैं। तो पूरे मंदिर परिसर के मायने आप क्या व्यवस्था ही भी लेके बातचीत करेंगे, साथ में कढ़िया से लोग पूछ रहे हैं, भाभी जानकारी जुटाऊंगा ठेड़ा तक कहें पूछ को भाभी जानकारी जुटाऊंगा, वीडियो थान शेयर करना लास्ट तक बने रहना। पहली बार ही आए हो फिर पहले भी आए? नहीं पहले भी आए थे, अब दो साल में पहली अब आए, मैं तो 6 महीने पहले भी आया था। बच्चे आ जाए, माता की चुनरी वगैरह काफी लेके आया होते, आज मन्नत पूरी हुई है कि कोई? मन्नत पूरी हुई इसीलिए आए। अच्छा, कब मांगी? माँ से मांगी थी, 1 महीने में पूरी होगी। एक ही महीना के मांगे हुए हैं बस आप जानो। अच्छा, मन की मुराद ही है। जी जी। आप कौन कौन आए साथ? मैं, मेरी मैडम, मेरा बच्चा। मंदिर का पुजारी जी अपने साथ मौजूद ही, बातचीत में करूँगा। हाँ जी राम राम। हाँ जी राम राम, जय माता। परिचय दे दो सर। जी मेरा नाम आचार्य विनय पाराशर है, जीण माता मंदिर पुजारी और वर्तमान में रेवासा गुरुकुल में वेदाध्यापक हूँ। एक मायने अभी मान्यता के बारे में बताओ, और फिलहाल के टाइम में नवरात्र श्रादी या नवरात्रि चल रहे हैं तो ये टाइम में कतार के लोग दर्शन कर रहे हैं और अमूमन दिन में कतार लोग दर्शन कर रहे हैं? देखो जीण माता जो है वह अपना आसपास का क्षेत्र की ही नहीं बल्कि हरियाणा और मध्य प्रदेश आदि जितना भी बारे जो क्षेत्र है अपना स्थानीय लोग बारे व्यापार की दृष्टि से बारे गया है, वे लोग अनवरात्रा में जात जड़ूला के लिए मुख्य रूप से अठे आवे है और भारी संख्या में भीड़ होवे है। मुख्य रूप से जात जड़ूला विवाह की जो जात हुआ करे है वह नवरात्रा में लागे है और हर दिन संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत ही शानदार दृश्य देखवाना मिलोगे और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यात्रियों ने सुलभ ही दर्शन हो पावे और ज़्यादा भीड़ हो तो 5 मार्ग बना रखे हैं दर्शन के लिए, तो यात्री वा माध्यम से वा मार्ग से दर्शन आराम से कर सके। मान्यता के बारे में बताओ। देखो जी हाँ, आप लोक दृष्टि से देखा तो लोक देवी जो जीण माता है वह पारिवारिक विरक्ति के कारण ग्रह त्याग करके अपना जीण धाम में अठे आई और अठे प्राचीन काल से ही कपिल मुनि साधना करता है, जयंती माता को स्थान हो, पांडव भी अठे सेवा करके गया है। तो जीण माता अठे तपस्या करी और फलस्वरूप बाने आशीर्वाद मिलो कि आज से वो स्थान जीण माता नाम से पूजो जावेगो। फिर कलयुग में जो मुस्लिम शासक हो, औरंगजेब क्रूर शासक हो, वो अपना हिंदू मंदिरा ने तोड़बा को प्रयास करतो तो वो सेना के सहित हर्षनाथ जीण माता जी आयो तो सब पुजारी भक्त लोग माता से प्रार्थना करी तो माता भ्रामरी का रूप में प्रकट होकर पूरी सेना ने तहस नहस कर दी। तो औरंगजेब माफ़ी मांगे, घी तेल का दीपक के लिए घी और तेल चढ़ायो, चांदी का छत्र चढ़ायो इत्यादि, और आपको एक वंश को, परिवार को, सदस्य एक वंश अठे माता का सीढ़ियाँ धोबा के लिए छोड़ गो, जो आज भी वह सेवा वो परिवार कर रहे हैं। इस प्रकार माता का अनेक चमत्कार है और साक्षात रूप में महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप में माता विराजमान है, सबकी मनोकामना पूर्ण करे है। एक भाई ने जहाँ शुरू में सुनी कि भाई औरंगजेब द्वारा तेल और घी भिजवाया जाता है दिल्ली से, कि वो आज भी भिजवाया जाए? आज जी हाँ, आप देखा कि कुछ नाम मात्र को शुल्क आतो हो, फिर जयपुर राजघराना से भी आयो हो, देवस्थान विभाग से भी वो नाम मात्र को शुल्क आवे है, पर यात्रा की द्वारा व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है। कुछ कोई स्पेशल कुछ जो दर्शनार्थी बन बताओ कहना चाहोगे या बताना चाहोगे कुछ माता जी के बारे में? देखो माता जी की जो उपासना पद्धति है, अभी मैं शक्ति अर्जन को एक प्रमुख दिन है नवरात्रि, जी माँ फा शक्ति अर्जन कर सका और माँ भगवती की कृपा पा सका, क्योंकि शास्त्र कहवा है कुपुत्र जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती, क्योंकि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती ऐसा शास्त्र कहता है। तो भी दृष्टि से देखा तो नवरात्र में प्रत्येक व्यक्ति ने माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे सकल मनोरथ अपना पूर्ण होवे, और विशेष रूप से हर शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि आवे भी व्रत करो, माता की पूजा करो तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होवे। काफ़ी लोग इस तरफ देखो नाई है भी से जड़ूलो द्रो में और इस तरफ गठचोड़ा की जो जात है वह भी दे रही, तो एक कपल अपने मिल गो अड़े चेहरा भरा के साइनिंग अपने दिख रही, देखो गला का मैं माला भी है साथ का मैंने गठजोड़ा को नाल वगैरह भी सब बांध रखे, तो बातचीत हम करा। हाँ जी राम राम।
राम राम। क्या नाम है साहब? विक्रम सिंह। विक्रम जी कौन सा गाँव है वो? खेतड़ी बिलो। तो गठजोड़ा तो मेरे ख्याल आंटी जी पहली बार एक ही बार लाग तो देखो क्यों एक ही बार लागे तो पहली बार जीण माता के लागे के तारे हाँ जीण माता के लागे पहली बार अशोक लाग रहे पहले कई दिन पहले तो शादी हुई 16 जून जल्दी जल्दी हुई है जल्दी लागी कर थोड़ा ही जात। हाँ बिल्कुल। तो पहले कोई मन्नत वगैरह मांगी है? मत ना मांगी हो ना मांग के मांग बस पूरी थोड़ा रहे। हाँ जी क्या नाम है तब? सरिता। सरिता जी आज डे आके कशोक लाग रहे पहले बताओ। बहुत बढ़िया लाग रही। तो थान पहले जीण माता को मंदिर को पतो हो गए? ना मैं तो आवा ही हमेशा ही आओ हमेशा ही। तो थान तो पहले से फिक्स हो गई भाई शादी है बाद में आना है? फिक्स आशा के दर्शन कति देर में होगा कतो की टाइम लगेगा? नहीं आराम से दर्शन होगा। सही मिल गोगे दामाद? हाँ बढ़िया है। दिन तो कौन वाले? ना ना माता रानी को पहले अरदास करेगी भाई बढ़िया मिला दामाद। नहीं नहीं सही है बढ़िया है। गोपाल जी कशोक लाग रहे कतो टाइम लगे? टाइम कौन लगे साहब पहले घर वाइज सोच के आए भाई टाइम लगे को कौन लगे नवरात्र भीड़ ज्यादा रहेगी तो भीड़ कम है या फिर व्यवस्था बढ़िया? व्यवस्था बढ़िया साहब व्यवस्था एकदम बढ़िया है ना तो भीड़ भी है व्यवस्था ठीक है आदमी वहाँ दर्शन हो रहा है ज्यादा टाइम भी कौन लगे एक कटो के जुड़ा हम भी काटते हैं बाल तो यहाँ पे हम ही काटते कड़े तक अच्छी बारू मने चलता नहीं या फिर अंधेरी में कमाते हैं रात्रों में चारने पंद्रह में पूरे चलते हैं। पहली बार आया हुआ फिर पहले भी आया? पहले भी आया हूँ। दर्शन होगा कतो टाइम लगे? लगभग लगभग डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटे लगे साथ में कौन कौन आए? दीदी फैमिली जीवन माता की मूर्ति और भी कई चीजें। कौन सी क्लास में हो? सेवेंथ। ते के खरीद रहे हो? कंगन। अच्छा और भी कुछ लेने की इच्छा है? हाँ। पहली बार आए हो फिर पहले भी आए? नहीं नहीं तीन चार बार आ गए। तीन चार बार तो आज के लेके आए हो कोई मनोकामना लेके आए होगी? नहीं हम तो माँ का दर्शन करवाया। सिर्फ दर्शन करवाया? हाँ कि माँ सबकी मनोकामना पूरी कर माँ की भी कर गरीब आदमी की। अच्छा व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था है व्यवस्था पहले और आया उन्होंने कैसी लगी? बढ़िया बढ़िया लगी बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा क्या नाम है तेरा? निशा जेदिया। और तो दादी जी के कहने पर आया हो फिर मत ही आया हो? इच्छा से। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कितने का लिया? कड़े सो ये हम जयपुर से आए। कितना लोग हो? हम ऑलमोस्ट 13 लोग हैं। 12-13। पहली बार आए हो पहले भी आए? नहीं हर साल आते नवरात्र में। हर साल अशोक लाग रहे अच्छा लग रहा है बिल्कुल। देखो दर्शन के बाद तो आगे चेहरा की मुस्कान बता रही बहुत बढ़िया लाग रहे। के करा करो थे? मैंने अभी पढ़ाई कंप्लीट करी है। तो कोई मन्नत लेके आए होंगे? हाँ मन्नत तो मेरी तो अभी शादी है। जी भाई मेरे ख्याल ये टाइम में विवाह की उम्र हो रही है अच्छा दूल्हा की भी मन्नत भी है। शादी है जस्ट नवंबर में। अच्छा पंजाब से आए होते सारा एक ही फैमिली हो? से एक परिवार के कै जना होते? हाँ जी कत्ता जना आयो? मेरे 7 जना। जी 7 जना। पहली बार आयो पहले भी आया? ना बहुत बार आते हैं हर साल आते हैं वैसे तो। अच्छा हर बार कभी काम नहीं होता या काम होता है तो उसी हिसाब से। अब मन्नत पूरी होने के बाद में आयो या फिर कोई मन्नत लेके आयो? मन्नत माता की पूरी है जी अपनी बहुत बहुत माता जी की फुल कृपा है जी अभी आते हैं। अच्छा पूरी कृपा है। ये बच्चा आएंगे? हाँ जी ये बच्चे ये गुड़िया हैं। पहली बार आया हो या फिर पहले भी आया? पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। बहुत बार आया हो तो कोई मन्नत लेके आ रहे हो या फिर नहीं कैजुअली? कैजुअली। कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं। थकान तो कौन है? नहीं नहीं। क्या 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 दर्शन कर लिया? माता जी के दर्शन कर। तेरू बाबा कौन गया? तो आज दर्शन करवाएगा कौन कौन है साथ में? दोस्त है। अच्छा थे सागे आए हो? थारो के नाम है? विजय सिंह। एक ही गांव है दोनों? बेरी है मेरे। अच्छा बेरी को और बुगाला लागो सागो हो रहे दोस्त ही जी कशोक के लाग रहे पहले बढ़िया लाग रहे साहब। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत शानदार है कोई कमी नहीं है व्यवस्था का मां और बढ़िया श्रद्धालु एक शांति प्रिय गाँव है एक नंबर। एक पहले भी आया आगे? मैं हर नवरात्र में हूँ हर साल। अच्छा हर साल ही आओ? हर साल पक्का भगत हो? दूसरा या तीसरा नवरात्र में तो आवा ही आवा। आप मावड़ी बुलाओ ना आ जाओ। बिल्कुल भाई देखो बिल्कुल बिल्कुल आप बटोड़ी बात है संभावना ही कौन क्या आ जाओ बैठे आप मत ऑर्डर करियो टप्पा खाता खाता आएगा। अच्छा तारो के नाम है? मेरा सुभाष सैनी है। थाना सुरह वालों हूँ। अच्छा मैं माता का 6 साल से रेगुलर आ रही हूँ। अच्छा कि हर नवरात्रा ने मैं माता का दर्शाव करवाऊँ जो हमेशा दर्शन दिए मैंने। अच्छा हाँ दर्शन दिए पैदल आऊँ जो मैं झंडो ले माता का हर साल आता रहूँ मैं। प्रशासन की भी कड़ी व्यवस्था काफ़ी एक्टिव प्रशासन आपने देखे तो बातचीत। हाँ जी राम राम।
राव राव जी। सब कसी की व्यवस्था प्रशासन की और फिलहाल कत्ती की भीड़ है? भीड़ तो वैसे लगभग नॉर्मल सी चल रही है अभी तो, बाकी सब शांति व्यवस्था बढ़िया है, प्रशासनिक अधिकारी सभी कत्तों के फिलहाल पुलिस अलर्ट है, मौजूद है सुरक्षा का। सभी पॉइंटों में अलग अलग जाबता लगा रखे हैं और सबसे बातचीत आप करवाई की कोशिश करी तो ठन का शोक लगे आ चीज थे मान जरूर बताओगा, साथ में भी थे भी जिन माता का दर्शन कराओगे और कराया हो तो कौन से गांव से आया हो आ चीज थे मान जरूर बताओगा और आसपास ही खबर अपडेट रहने के लिए जल को सिक्कर के साथ जुड़ा रहो, बने रहो, राम राम।